दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सुरेश फिर से आपका स्वागत पशु चिकित्सा चैनल पर करता हूं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेंगे तथा वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर भी अवश्य ही करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके पालतू पशुओं में जैसे गाय भेड़ बकरियों में बहुत ही ज़्यादा प्राणघातक रोग विषाक्त भोजन या जिसे हम बॉटुलिज्म कहते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहा हूं। आप कृपया धैर्य पूर्वक पूरी वीडियो को देखें और बिंदुवार समझें तथा लाभान्वित हों। दोस्तों पशुओं में बॉटुलिज्म पूरे विश्व स्तर का रोग है जिसमें पशुओं को मोटर नर्व पैरालिसिस हो जाता है जिसे हम चेष्टावाही नाड़ी कहते हैं वह प्रभावित हो जाता है। तो क्यों ना अब हम इस रोग के कारण की भी बात कर लें। इस रोग का कारण क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम नामक जीवाणु है। यह बैक्टीरिया सड़े गले पदार्थों में विष उत्पन्न करते हैं तथा जब ऐसा पदार्थ पशु खा लेता है तब उसमें ये रोग यानी बॉटुलिज्म उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा जब पशुओं के शरीर में फास्फोरस तथा प्रोटीन की कमी हो तब वैसे पशुओं में भी इस रोग के होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से पशु इस रोग से प्रभावित ज़्यादा होते हैं। इस रोग से खास करके चिड़ियाँ, घरेलू मुर्गी, जंगली मुर्गी में सामान्य रूप से तथा गोवंशीय पशु एवं भेड़ बकरी तथा घोड़े में भी होता है, परंतु सुअर एवं बिल्ली में यह रोग नहीं होता है। ये इस रोग से रेसिस्टेंट होते हैं। दोस्तों यह रोग पशुओं में गंदा खाना खाने एवं गंदा पानी पीने से तो होता ही है, एवं जो दूसरा रूट ऑफ इन्फेक्शन है वह है पशुओं में पाइका रोग का पहले से होना, यानी जिस रोग में पशु मिट्टी, रेत, चमड़ा, मल, हड्डी इत्यादि खाता हो या दीवार चाटता हो या खाने की चेष्टा करता हो, ऐसे पशुओं में खासकर यह रोग के होने की ज़्यादा संभावना होती है। क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होता है। यह ऑर्गेनिज्म जो अपनी संख्या में वृद्धि करता है वह सड़े गले पदार्थों में ही करता है तथा इसे 5 वर्गों में हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, जो ए बी सी डी तथा ई होते हैं। आइए अब रोग के लक्षण की भी चर्चा की जाए। दोस्तों रोग की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि पशु ने कितनी मात्रा में विषाक्त भोजन किया है। पशु को यह रोग होने पर उसके मांसपेशियों में दुर्बलता आ जाती है, पशु के जबड़ा, जीभ, ग्रास नली एवं पिछले अंग में पैरालिसिस हो जाता है। पशु के जीभ में पैरालिसिस हो जाने के कारण उसे खाने निगलने में काफ़ी तकलीफ होती है। रोगग्रस्त पशुओं में बेचैनी तथा लड़खड़ाती चाल पाई जाती है। रोगग्रस्त पशु जमीन पर लेट जाता है तथा अपना गर्दन आगे खींचकर बैठा रहता है, वह खड़ा नहीं हो पाता है। रोग के अंतिम अवस्था यानी टर्मिनल स्टेज में रेस्पिरेटरी फेलियर होने से उसकी मौत हो जाती है। इस रोग में पशु को पशु का तापक्रम सामान्य, मलमूत्र सामान्य ही रहता है। छाती के मांसपेशियों का पैरालिसिस होने के कारण पशु जब सांस लेता है तब वह एब्डोमिनल टाइप होता है। दोस्तों अब इस रोग के निदान करने का जो तरीका है वो जिस समय हम रोग का निदान करते हैं उस समय इस खास बात का ख्याल भी रखना होता है कि संबंधित पशु को तत्काल इस रोग के क्या क्या सिम्टम मिलते हैं तथा उस रोगी पशु को पाइका वगैरह की आदत तो नहीं थी, या पशु ने जिस चारा को खाने के पश्चात बीमार हुआ उस चारे के विष को किसी चूहे या बली के बकरे को जब इंजेक्ट करते हैं तथा जब उसकी मौत हो जाए तब हमें इस रोग का कन्फर्म डायग्नोसिस क्या होता है कि हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको इस रोग के चिकित्सा पद्धति के बारे में आपको बताता हूं जो आपको अपने टीबीओ द्वारा ही करवाने हैं। दोस्तों इस रोग में एंटीबायोटिक का विशेष महत्व होता है, इस कारण इसमें हाई डोज पेंसिलिन 15,000 से 30,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट इंट्रामोस्कुलर इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा सिफ्लोस्पोरिन भी 5 से 7 mg पर केजी बॉडी वेट का व्यवहार करना चाहिए। इन दवाओं के साथ टेटनस एंटीटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन इंट्रामोस्कुलर व्यवहार करते हैं। पशु को जो अगली जो दवा देते हैं वह मैगसल्फ 500 ग्राम 2 लीटर गुनगुने पानी में मिलाकर क्या करना होता है कि पिलाना होता है, लेकिन
मैगसल्फ का उपयोग गर्भित पशु में व्यवहार न करें तथा यह दवा 500 ग्राम दिन में केवल एक बार ही प्रयोग करें। इन सभी दवाओं के साथ इंजेक्शन ट्राइविवेट 10 ml इंट्रामस्कुलर एडल्ट पशु को देते हैं या छोटे पशु को इसका आधा देते हैं। इसके साथ इंजेक्शन मिथाइल कोबालामीन प्लस बूटाफॉस्फेन, जो मेटावेज या बूटाफॉस्फेन में जो अन्य दवाएं हैं फॉसल्टिमा वगैरह या कैटोसल इत्यादि का 10 ml इंट्रामस्कुलर एडल्ट पशु को इसका भी हम व्यवहार करते हैं। पशु को खाने में प्रोटीन की मात्रा अधिक रूप से खिलाएं। दोस्तों, आप अपने पशु को विषाक्त भोजन चावल, चाशनी, सरा हुआ दाल, सब्जी, आलू, रसगुल्ला या अन्य बासी खाना पशु को न खाने दें तथा अपने पशुओं का खास ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये था हमारा बॉटुलिज्म पर आपसे खास चर्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं कमेंट अवश्य ही कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।